घर का काम जल्दी खत्म करने के लिए 13 चमत्कारी टिप्स। सुबह के समय जल्दी उठने की आदत डालें, जिससे न केवल आपको अतिरिक्त समय मिलेगा बल्कि आप बेहतर तरीके से अपने कामों को निपटा पाएंगे। इससे न केवल आपके कीमती समय की बचत होगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास का भी संचार होगा। नंबर 2, कुछ महिलाएं किचन में काम करते हुए सब कुछ फैला देती हैं, इसलिए अपनी एक आदत बना लें कि जैसे जैसे काम खत्म होते जाए तभी हाथों हाथ किचन के सामान को समेट लें। ऐसा करते रहने से समेटने के काम आगे के लिए पड़े नहीं रहेंगे और आपका समय बचेगा। नंबर 3, आमतौर पर सुबह के समय जल्दबाजी या फिर समय की कमी इसलिए महसूस होती है क्योंकि कुछ महिलाएं रात के बर्तनों को सुबह होती हैं, जिसकी वजह से सुबह उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आलस को छोड़कर रात को ही बर्तन धोने की आदत डालें। इससे सुबह उठने के बाद काफी साफ सुथरी किचन देखकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। नंबर 4, खाना बनाने जा रही हैं तो अपने समय को बचाने के लिए जो भी रेसिपी आप बनाने वाली हैं उससे जुड़ी सभी चीजें पहले ही एक जगह रख लें। साथ ही सब्जियां पहले से काट कर रख लें, जिससे आपका काफी समय बचेगा। नंबर 5, लिविंग रूम को सबसे पहले साफ करें क्योंकि मेहमान सबसे पहले घर के इसी हिस्से में आते हैं, इसके बाद ही वो घर के दूसरे हिस्सों में जाएंगे। लिविंग रूम में काफी सामान भी होता है और ये घर का सबसे बड़ा कमरा भी होता है, इसलिए सबसे पहले इसकी सफाई करें। नंबर 6, कोशिश करें कि बच्चों के उठने से पहले ही आप अपने सभी जरूरी काम निपटा लें, क्योंकि अगर बच्चे जल्दी उठ गए तो आपके काम समय पर नहीं हो पाएंगे। नंबर 7, कोशिश करें कि किचन में वो सारे अप्लायंस रखें जो आपके काम को आसान बना सके, जैसे मिक्सर, जूसर, ओवन, टोस्टर, मशीन, चॉपर। इन अप्लायंस के इस्तेमाल से आपका समय बचेगा। नंबर 8, अगले दिन खाने में क्या बनाना है ये एक दिन पहले ही डिसाइड कर लें, ताकि अगले दिन क्या बनाया जाए ये सोचने में समय बर्बाद ना हो। नंबर 9, घर पर न्यूज़पेपर, मैगजीन, खिलौने, सजावट के सामानों को सहेज कर रखने की आदत बनाएं। इससे घर बिखरा हुआ नहीं लगेगा और इनको समेटने में भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। नंबर 10, घर में उतना ही सामान निकालें जितना आपके रोजाना इस्तेमाल में आता हो, क्योंकि घर में ज्यादा सामान होना मतलब ज्यादा समय लगना, बेकार सामान ज्यादा अव्यवस्थित होता है। नंबर 11, घर के डिश वॉशर में बर्तन धोने के साथ ही बच्चों के खिलौने और दूसरी प्लास्टिक के सामान को भी धो लें, इससे दूसरी चीजों में धुलाई के कामों में लगने वाला वक्त बचेगा। नंबर 12, लिंट रोलर या वैक्यूम क्लीनर अगर घर में है तो हर छोटी जगह की साफ सफाई इससे ही करें, इसकी मदद से आपका काम झटपट हो जाएगा। नंबर 13, सोने से पहले घर के छोटे कामों को निपटा कर सोएं, इससे अगले दिन के लिए काम भी कम होगा और सुबह उठकर किचन भी साफ मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।